Thanks to all of you. In the last lecture, we discussed about the different parts of our nervous system. Today we will start our new topic, that is human brain. So human brain is the main thinking part of our body. हमारी body का जो main thinking, जो किसी decision को लेता है किसी चीज़ के बारे में, consequences क्या होंगे उसके बारे में, जो सोचने की पूरी process है, that is done by the human brain. So brain is the main or central part of our body which control and coordinate the different part of our body. Human brain is divided into three part. This is fore brain. कल बताया था आपको last lecture में भी कि जो major portion है top portion पे जो present होता है हमारी hair line के साथ वो क्या होता है ऊपर वाला portion that is fore brain which is drawn by the orange line. The portion which is drawn by the green color that is the hind brain and in between the forebrain and hind brain near the ear there is midbrain. Let's discuss the functions of these different parts of brain. Major part of forebrain is cerebrum. Forebrain का जो major portion है ऊपर वाला जो हमारे forehead के पास से present होता है पीछे तक जाता है उसको हम cerebrum बोलते हैं. सेरिब्रम दो हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है राइट एंड लेफ्ट. लेफ्ट सेरिब्रम विल कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फेयर विल कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये रिवर्स वायरिंग होती है रिवर्स कनेक्शन होता है कि राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी. तो ये आपको बात ध्यान रखनी है. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ये ब्रेन का हमारा जो फोर ब्रेन है. मोस्टली कंट्रोल द वोलेंट्री एक्शंस. वोलेंट्री एक्शन जो आप अपनी मर्जी से करते हैं जैसे बोलना लिखना पढ़ना या कहीं पे जाना चलना एक्सरसाइज करना दीज ऑल आर वोलेंट्री एक्शन. दीज आर कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलिंग द वोलेंट्री एक्शंस. थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन. ये आपका मेजर थिंकिंग पार्ट है. जो भी आप सोचते रहते हो आपकी क्रिएटिविटी है इमेजिनेशन है कैलकुलेशन है सेंस ऑर्गन के द्वारा जो आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है दोज ऑल आर डन बाय द फोर ब्रेन. तो क्रिएटिविटी थिंकिंग ये सब कैलकुलेशन या आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है उस तरह की जितने भी चीज़ें हैं सेंस ऑर्गन वाले जो फंक्शंस हैं दोज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन. सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज़ को देखा तो आपको लग रहा है कि ये देखी हुई है या नहीं देखी हुई है आपके ब्रेन के पास मैसेज आएगा. एक स्पेसिफिक रीजन होगा मतलब जो चीज़ें विजुअल चीज़ों के लिए अलग सेंटर है जिसको हम ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे या ऑप्टिक लोब बोलेंगे. फोर ब्रेन आपका वो प्रोसेस करके देखा देगा और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ. अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के लिए नई है वो उसको स्टोर करके रखेगा. जो आप जिनके साथ आप फेमिलियर हैं जिन फेसेस को आपने देखा हुआ है आप उनको पहचान जाते हो. जिनको आप नहीं पहचानते और दो तीन बार मिल लिए तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी है फिर आगे से आप उनको पहचानने लग जाते हो. इसी तरीके से स्मेल के लिए अलग सेंटर होता है सुनने के लिए ऑडिटरी है. इस तरीके से अलग अलग रीजंस आपके फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड प्रोसेस देम. इम्पल्सिस जो हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से आएंगे और उनको क्या करेगा ये आपका प्रोसेस करेगा उनकी इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या एक्शन लेना है वो ये बताएगा. हंगर सेंटर जो है वो भी फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट आता है. फीलिंग ऑफ फुलनेस कि आपको भूख लगी है अब आपका पेट भर गया है ये चीज़ आपको फोर ब्रेन बताएगा. मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के फंक्शंस अलग अलग नहीं बताए जाते हैं जर्नली इसको इकट्ठा ही कंसिडर कर लिया जाता है. फोर ब्रेन वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जबकि मिड और हाइंड ब्रेन आर कंट्रोलिंग द इनवोलेंट्री एक्शन जो आपकी इच्छा से नहीं होते आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद चलते रहते हैं. हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड और कंसिस्टिंग ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट सेरिबेलम. वहाँ क्या था कन्फ्यूज नहीं होना है सेरिब्रम था वो.
ये क्या है, दिस इज सेरिबेलम। तो फोर ब्रेन का जैसे मेजर पोर्शन सेरिब्रम होता है, ऐसे ही हाइंड ब्रेन का मेजर पोर्शन सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, या आपके बिल्कुल पीछे की साइड गर्दन से ऊपर प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, आप लिख रहे हो, चल रहे हो, वो किसकी वजह से, फोर ब्रेन की वजह से, लेकिन उसको प्रोसेस करके, मतलब आप चल रहे हो तो सीधी लाइन में चलना है आपको, या साइकिल चलाना है वो बिल्कुल सीधा चलाना है, तो आप चला रहे हो फोर ब्रेन की हेल्प से साइकिल को, लेकिन उसको सीधी लाइन में कि जहाँ पे टर्न लेना है या सीधा चलना है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उसमें आपका सेरिबेलम हेल्प कर रहा है। आप चल रहे हो वो क्या है, फोर ब्रेन की वजह से, लेकिन आप सीधे चल रहे हो, आपका पोस्चर बिल्कुल सही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। तो वो इनवोलेंट रिएक्शंस एक टाइप से अपने आप हो जाता है। तो इसी तरीके से जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि सेरिबेलम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है उस ड्रिंक ने, स्पेसिफिक जो भी ड्रग्स उसने लिया है उसकी वजह से। इसी तरीके से जो छोटा बेबी होता है जिसने चलना भी शुरू किया है, वो बार बार गिर जाता है क्योंकि उसकी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसका सेरिबेलम अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी वो डेवलप हो जाता है और वो बच्चा सीधा चलना सीख जाता है। सेकेंड इज मेडुला। मेडुला भी इनवोलेंट रिएक्शंस करता है, लाइक ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वोमिटिंग। ब्लड प्रेशर आप सोच के कंट्रोल नहीं करते कि अब मुझे इतना ब्लड प्रेशर चाहिए, अब इतना चाहिए, वो क्या होता है, दैट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। सेलिवेशन, किसी अच्छी चीज़ को, फेवरेट चीज़ को देख के आपके माउथ के अंदर स्लाइवा रिलीज हो जाता है, इनवोलेंट रिएक्शन है। वोमेटिंग, किसी चीज़ की वजह से कोई भी रीज़न है वोमेटिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। पोन्स है, वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है।